सीनियर फोटोग्राफर प्रदीप बांदेकर की प्रेयर मीट शुक्रवार शाम मुंबई में रखी गई। बॉलीवुड से शाहरुख खान, आमिर खान, जैकी श्रॉफ, वरुण धवन और विद्या बालन समेत कई सेलेब्स उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शाहरुख ने आमिर को गले लगाया। फैंस को ये वीडियो देख फिल्म रंगीला की याद आ गई। आमिर और जैकी ने एक दूसरे को गले लगाया और अटेंड किया प्रदीप बांदेकर का प्रेयर मीट। दूल्हा बनेगा प्रियंका चोपड़ा का भाई, शादी की रस्मों में शामिल हुई देसी गर्ल। जश्न की इनसाइड फोटोज आए सामने। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वीडियोस। प्रियंका चोपड़ा के लुक की खूब वाहवाही हो रही है। बॉलीवुड नाउ को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपार शक्ति पापा को याद कर इमोशनल होते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने शेयर की स्त्री टू की कुछ इनसाइट्स। बिकॉज हम स्त्री वन कर चुके थे तो जंपिंग फ्रॉम हॉरर टू कॉमेडी द फर्स्ट फिल्म आई शॉट आफ्टर लूजिंग पापा सो इट वाज तो उस वजह से थोड़ा शायद ज्यादा डिफिकल्ट था। इट डजंट हैव अ शाहरुख खान और यू नो और अमिताभ बच्चन। आई फील एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट माय जर्नी। कुछ जीरोस ऐड हो गए उसके साथ। स्त्री टू रिलीज होने के बाद फैंस का प्यार श्रद्धा के लिए रुक ही नहीं रहा है। हाल ही में श्रद्धा कपूर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में पीएम नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ तीसरी सबसे ज्यादा फॉलो करने वाली भारतीय बन गई थी। इस रेस में अब उनसे आगे सिर्फ दो लोग थे, पहले विराट कोहली और दूसरी प्रियंका चोपड़ा। पीएम मोदी को श्रद्धा ने पीछे छोड़ दिया था। मामूली फासले के साथ अभिनेत्री इस रेस में आगे निकल गई हैं, लेकिन आज वो दूसरे नंबर पर आ गई हैं। प्रियंका चोपड़ा को ओवरटेक कर लिया है। स्विट्जरलैंड की शांत सड़क पर रात में बिना सिक्योरिटी के पत्नी संग टहलते दिखे मुकेश अंबानी। इस वायरल वीडियो में नीता अंबानी ने लाल रंग का सूट पहन रखा था और मुकेश अंबानी ने कोट पैंट पहना है। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जस्टिन बीबर बने पिता, पत्नी हैली बीबर ने बेटे को दिया जन्म। जस्टिन ने बच्चे का नाम जैक ब्लूज बीबर रखा है। जस्टिन और हैली के फैंस पोस्ट पर कमेंट्स कर बधाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ मल्होत्रा की हुई रेस 4 में एंट्री। सैफ अली खान को देंगे कड़ी टक्कर। इस फिल्म के लिए सैफ के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इस खबर ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। सूत्रों के अनुसार इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम चल रहा है। शिखर धवन ने किया संन्यास का ऐलान। वीडियो शेयर कर शिखर धवन ने क्रिकेट की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहने का फैसला किया है। शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर अपने अनाउंसमेंट से एक वीडियो शेयर कर इसकी घोषणा की, जिसमें उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्म से संन्यास की घोषणा की है। साल की मच अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 सिनेमा घरों में रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर आतंक मचा रही है। फिल्म इस साल की सबसे बड़ी ओपनर रही और लगातार कमाई से एक जादुई आंकड़ा छू रही है। 9वें दिन स्त्री के सीक्वल ने बॉक्स ऑफिस पर किया 400 करोड़ पार। फिल्म जल्द ही 500 करोड़ के क्लब में एंटर करने वाली है।